Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास Infinix का Hot 12 Pro है और आपको इस फोन के अंदर गाना सेट करना है रिंगटोन के लिए या फिर रिंगटोन की कोई भी सेटिंग आप करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में सब कुछ आपको पता चलेगा। बस वीडियो को देखते रहिए, कैसे गाना लगाना होता है रिंगटोन के लिए और क्या क्या रिंगटोन की आप सेटिंग कर सकते हो ये सब आज के इस वीडियो में जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले फ्रेंड्स आपकी जो फोन की सेटिंग रहेगी वो ओपन कर लेनी है। यहाँ कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ से हल्का सा जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे कंट्रोल जो कि वॉल्यूम के रहते हैं, तो कौन सा वॉल्यूम कितना रखना है यहाँ आके सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला वॉल्यूम रहेगा मीडिया का, आप मीडिया वॉल्यूम कितना रखना चाहते हो सेट कर सकते हैं। दूसरा आपका अलार्म है, तीसरा रिंगटोन का वॉल्यूम है, फोर्थ नंबर पर आपको नोटिफिकेशन कराएगा। नीचे को जब आप जाते हैं तो सिम वन की रिंगटोन चेंज करना, तो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने को जो भी फोन की रिंगटोन रहेगी वो आपके सामने आ जाती है, तो यहाँ से आप चेंज करके इनको लगा सकते हो। अगर कोई डाउनलोड करके रखिए फाइल आप सेट करना चाहते हो तो उसके लिए फ्रेंड्स लास्ट में देखने को मिलेगा एड रिंगटोन, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने फाइल में आ जाते हैं। फाइल में आने के बाद यहाँ क्लिक कीजिए इस तरह से, और आपके फोन में है तो फोन में चले जाइए, अगर मेमोरी कार्ड डाला हुआ है तो मेमोरी कार्ड पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद अब आपको उस फोल्डर में जाना होगा जितना आपने डाउनलोड करके रखी है, तो अगर आपने डाउनलोड किया तो डाउनलोड में आई होगी, डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। आपके सामने कुछ इस तरह से फिर वो देखने को मिल जाएगी, तो कौन सी रिंगटोन है उस पर इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ये लिस्ट में आपका वो गाना आ जाएगा, तो उस पर इस तरह से क्लिक कर दीजिए तो आपकी ये फाइल से इस तरह से लग जाएगी। तो इस तरह से फाइल से आप गाने को लगा सकते हो। नीचे इसी तरह से सिम टू की चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन साउंड को चेंज करना है सेम इसी तरीके से, नोटिफिकेशन साउंड को भी आप बदल पाओगे। अगर अलार्म साउंड बदलना है तो आप यहाँ क्लिक करके उसको भी बदल सकते हो। नीचे को आपको एक ऐसा एडवांस फीचर मिलता है जो कि काफी यूजफुल है, यहाँ देखने को मिलेगा इंक्रीजिंग इनकमिंग रिंगटोन। इसको जब आप ऑन कर देते हो तो आपके फोन पर जब भी फोन आएगा तो आपके फोन की जो रिंगटोन है पहले हल्की बोलेगी, उसके बाद वो लाउड होती जाएगी। अब आपका ये फीचर जब ऑन हो जाएगा तो आपके फोन पर कोई भी कॉल्स वगैरह आती है तो आपके फोन पहले वो रिंगटोन हल्की बोलेगी, उसके बाद वो लाउड लाउड होती जाएगी। इस तरह से इस फीचर को ऑन करा के आप कर सकते हो। नीचे और आपको वाइब्रेट फॉर कॉल का एक ऑप्शन मिलता है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे अपने फोन की जो वाइब्रेट रहती है उसको ऑन करा सकते हो, कॉल आएगी तो आपका फोन वाइब्रेट भी होगा और रिंग भी होगा। तो इस तरह से फीचर को आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे इसके बाद देखने को मिलेगा एडवांस ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद आप अदर साउंड की सेटिंग कर सकते हो। जैसे कि डायल पेड पर नंबर डायल करते हैं तो एक आवाज सुनाई देती है आपको, उसको यहाँ से बंद कर सकते हो। इसको स्क्रीन लॉकिंग का एक साउंड है, इसको ऑन करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके इसको ऑन कर पाओगे। चार्जिंग साउंड आपको बंद करना है तो यहाँ क्लिक करके उसको बंद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टच वाला जो साउंड होता है उसको ऑन करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप उसको ऑन करा सकते हो। तो इन फीचरों की सेटिंग कर सकते हो बहुत आसानी से फोन के अंदर, इनका यूज करके आप इस फोन में इस तरह से रिंगटोन सेटिंग को कर पाओ। आई होप आपको ये वाला वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।